guys, welcome back to my channel. ये न्यू स्टोरी है विमेन कुकिंग स्टोरी बॉटम थिंग इसमें और आपको थोड़ा सा रियलाइज तो हो गया होगा, पता चल गया होगा थंबनेल से कि ये किस तरह की स्टोरी है. एक्चुअली इसमें जो जिमिन जंगकुक और योंगी ऑलरेडी मैरिड भी हैं और उनका एक ना चाइल्ड भी है और जो दूसरी साइड पे जो तेयंग है उसका भी एक चाइल्ड है, ऑलरेडी उसका भी एक चाइल्ड है तो इनका आगे चल के मैरिज होगा. तो इसका करके स्टोरी है, मीन्स सिंगल पेरेंट्स गॉट मैरिड करके फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज. नाम क्या था मुझे भूल गया. हाँ इसी तरह का ही था, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बिटवीन सिंगल पेरेंट्स. हाँ ये था. अच्छा अच्छा सॉरी. तो इस अगर क्या चलो स्टोरी का स्टार्टिंग करते हैं. स्टोरी की स्टार्टिंग से हम यहाँ सीन देखते हैं जो ना मिसेस जोन देख रही होती है तेयंग को, जो ना सारा ना उनके मेंशन करना काम कर रहा होता है, काफी ज्यादा नीटली कर रहा होता है. जो तेयंग का बेटा होता है 5 ईयर्स का सी हो, वो साइड पे बैठा होता है अपने टॉयज के साथ खेल रहा था. तो ना जो मिसेज जोन होती है उसको देख रही होती है, ना स्माइल करती है क्यूट सी और भी कहती है सी हो बेटा मेरे पास ना. तो बिना तेयंग का भी नजर ना मिसेज जोन की तरफ जाता है, वो स्माइल करती है बिकॉज उसको अच्छे से पता है तेयंग को कि जो मिसेज जोन है उसको ना जो सी हो है उसका बेटा वो बहुत ज्यादा पसंद है. तो वो ना जो सी होता है वो भी स्माइल करता है ना बिल्कुल अपने आप क्यूट से ना ऐसे बॉक्सिस स्माइल दिखाते है ना फौरन से एकदम भाग के चले जाते हैं और ना मिसेज जोन की तरफ. तो फिर ना मिसेज जोन भी स्माइल करती है और फिर ना उसकी तरफ देखने लगती है और फिर कहती है कि ना तुम्हें पता है तुम कितने ज्यादा क्यूट हो, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना मेरा दिल कहता है मैं तुम्हारे इस तरह करके ना तुम्हारे सारे चिक्स को ना पाइट कर लूँ. तो फिर ना जो वो ना सी हुआ ना फौरन अपने चिक्स में ना हाथ रख लेता है और फिर ना मिसेज जोन की तरफ देखने लगता है और फिर ना मिसेज जोन ऐसे क्यूट सपोर्ट कर लेते हैं और फिर कहते हैं मुझे अपनी चिक्स नहीं दोगे. तो फिर ना जो सी हो ना कहते कि ना बट आप सारा ना लेना, आप थोड़ा सा बाइट करना जैसे मैं ना सी को ज्यादा पेन भी ना. तो फिर ना ये सुन के ना जो मिसेज जियोन की तो हंसी निकल जाती है और जो तेयंग तो बस चकल करता है अपने बेटे की ना क्यूटनेस पे. और फिर ना वो स्माइल कर रहा था वापस है ना अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर देता है जो ऑलरेडी कर रहा था. तो फिर ना जो ना वो सी को ना वो उठा लेती है मिसेस जोन अपने लैप में बैठाती है और फिर कहते हैं ना अच्छा ठीक है दिखाओ अपनी चिक्स, थोड़ा सा लूंगी पक्का थोड़ा सा लूंगी उसके बाद तो मैं बड़ी वाली चॉकलेट दूंगी. तो ये सुन के ना जो सी वो कहते हैं ना नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आप ऐसे ही मेरा चिक्स ले लो थोड़ा सा बट आपको मुझे चॉकलेट देने का जरूरत नहीं. तो फिर कहते तुम्हें पता है तुम बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो, ये बोल रहे उसकी ना हल्की सी चिक्स को ना पिंच कर दिया. तो फिर कहते ना बस पक्का हो गया. फिर कहते हैं मैंने तुम्हारे पास सारे चिक्स वो खा लिए. तो फिर ना वो ऐसे हाथ रख लेते हैं कहते नहीं मेरे पास मेरी दोनों चिक्स पूरी पूरी है फुल फुल. तो फिर ना जो मिसेज जियोन होती है वो हंसने लग जाती है, तुम कहते वो कहते बहुत ज्यादा क्यूट और वो ना क्यूट है ना उसके ना चिक्स पे ना ऐसे करती है पैक करती है. और फिर ना वहां ना एक और मेड को बुलाती है और फिर देखिए ना चॉकलेट्स का कहते हैं. तो फिर ना वो एक बहुत ऐसे बड़ा सा ना ऐसे बॉक्स बना हुआ था हार्ट शेप का, तो वो ना सीयू को देती है. तो फिर ना वहाँ पे फौरन तेयंग आ जाता है, कहते हैं नहीं नहीं मैम आपको ये देने की जरूरत नहीं है इसको. तो फिर ना जो मिसेज जियोन होते हैं वो कहते हैं ना तेयंग बेटा तुम्हें पता है तुम मुझे आंटी बोला करो मैम ना बोला करो, मैंने तुम्हें इतनी दफा बोला है और इसी को मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ, कोई इस तरह नहीं कि मैंने उसको ऐसे तरह दे दी ना मेरा खुशी तो मैं उसके लिए स्पेशली कल लेके आई थी. तो फिर कहते बट स्टिल मैम तो फिर कहते फिर मैम बोल रहे कहते आंट. तो फिर कहते कि मैम ये मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है फिक्र ना करो. तो फिर जो तेयंग ने गैस सांस ले लो कहते हैं थैंक यू मैम. तो फिर इस तरह कहते थैंक यू आंट उस तरह फिर अगेन बोलते. तो फिर ना जो मिसेस जियोन स्माइल करती है. फिर अब हम बिल्कुल ना 3 आवर्स बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ना दोनों जो तेयंग और सी होते हैं दोनों ना मिसेस जियोन को ना बाय बोलते हैं, वहां से ना चले जाते हैं मीन्स अपने ना अपार्टमेंट के लिए जो उनका ना रेंट पे था. तो वो वहाँ के लिए चल जाते हैं और जो मिसेज जियोन होती है वह घेरे सांस लेती है और फिर ना वो अपने मेंशन की तरफ देखने लगती है जो उसको उनको ना काफी ऐसे ना खाली खाली से लगता है. सिर्फ मेड्स होती है तो वो एक घेरे सांस लेते और अपने रूम में चली जाती है जहाँ के ना कोई भी नहीं था, उनका हस्बैंड अभी घर पे नहीं थे. तो फिर ना जो वहाँ आराम से जाके लेट जाती है और वो सोचने लगती है कि जब भी ना तेयंग यहाँ पे होता है
उनका घर में ना कितना ज्यादा उनको ना खुशी फील होता है, बहुत ज्यादा ना कंप्लीट फील होता है जब ये टैंग यहाँ पे होता है उनको ना। वो बस ना कुछ देर तक सोती है और फिर ना वो अपनी आई से फट ओपन कर लेती है और फिर कहती है आज मैं ना उनसे बात करके रहूंगी। वो ये बोलती है और फिर ना अपने आई दोबारा से क्लोज कर लेती है। अब हम देखते हैं बिल्कुल ना 2 आवर्स और बात करती है जहाँ पे ना जो मिस्टर और मिसेस जॉन बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे और जो मिसेस जॉन थी कहती कि ना मैंने डिसीजन ले लिया। तो फिर कहते क्या, कहते कि मैंने उन तीनों के बारे में डिसीजन ले लिया, अब मुझे पता है मैं क्या करने वाली। तो फिर कहते क्या मतलब तुम करने वाली क्या वाली क्या कह रही हो मुझे समझ नहीं आया। तो फिर कहते ना मैं काफी टाइम से ये बात सोची थी, टैंग का तो आपको पता है ना। तो कहते हाँ वो बच्चा वो 3 इयर्स से हमारे साथ है, वो हमने उसको इतनी दफा यहाँ रोकने का कोशिश किया बट वो कहते कि उसको अपना गर्ल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो ना बिल्कुल मैं उसे सन की तरह देखती हूँ, काफी ज्यादा ना मैनर्स है उसको, इतना अच्छा है घर का लड़का है। तो फिर कहते मैंने कुछ सोचा था। फिर कहते क्या, तो फिर कहते कि ना क्यों ना हम उन तीनों का शादी इससे करवा दें मैरिज, तो वो दोनों भी वो तीनों भी खुश हो जाएंगे। तो फिर ना जो मिस्टर जॉन का ना आई वाइंड ऑपर कहते कि ना ये तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें उनका नेचर अच्छे से पता है, मैं नहीं चाहता कि उस इनोसेंट बॉय का ना लाइफ बर्बाद कर दे वो तीनों, तुम जानते हो। तो फिर कहते कि ना इसमें गलत नहीं है, वो बस उसकी चीट की करने की वजह से इस तरह के हो गए, जिनका लव उनको मिलेगा वो बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और दोनों ही सिंगल पेरेंट्स है तो चारों में कोई मसला नहीं होगा। तो फिर ना जो मिस्टर जियोन नहीं मान रहे थे तो फिर कहते कि ना प्लीज मान जाओ। तो फिर कहते कि ना उस बच्चे का इतना एज भी नहीं है, वो सारे उसे ना कोई वो तीनों या तो 13 इयर्स या तो 14 इयर्स बड़े हैं, जंको को क्योंकि उसे बिल्कुल 14 इयर्स बड़े हैं और जिवे उसे 13 इयर्स बड़े हैं। तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है वो सिर्फ 17 इयर्स का है, इतने बड़े हैं उससे। तो फिर कहते कि ना वो साइलेंट हो जाती है 2 मिनट के लिए और फिर कहते मैं तेंग से सुबह बात करूंगी। तो फिर कहते कि ना आई होप मना कर दे। तो फिर ना जो मिसेज जियोन उसकी तरफ देखने लगती है तो फिर कहते कि ना मैं नहीं चाहता है कि ना सेंट किया ना लाइफ बर्बाद हो। तो फिर कहते कि ना बट मैं उनको खुश देखना चाहती हूँ, मुझे पता है तेंग का ना तेंग के लिए ये बेस्ट डिसीजन होगा, उसको सब कुछ मिलेगा, उसके सारी उसको ना ये मेड का काम भी नहीं करना पड़ेगा, मैं उसके लिए अच्छा सोच रही हूँ, वो इन चारों के लिए बेस्ट है और उन दोनों बच्चों के लिए भी। तो फिर ना जो मिस्टर जो ना उनकी तरफ देखते और फिर अपना फूड छोड़ देते और कहते जो दिल में करो ये बोलता है, वहां से ना गुस्सा होकर चले जाते और जो मिसेज जो ना होती है गहरी सांस लेती है। और फिर अब हम देखते नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे ना जो ना बिल्कुल जैसे मॉर्निंग का 7 होता है तो वहां पे ना फोरन पहुंचे जाते हैं, वरना सी उसके हैंड्स में था वो सोया हुआ था। तो फिर ना जो मिसेज जो ना उनका आने का वेट करी थी, वो कहते हैं तेंग बेटा हुआ जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारा फेवरेट ना वो बनवाया फूड बनवाया। तो फिर कहते कि ना आंटी से सोती हैं रोजाना ऐसे करते हैं। तो फिर ना जो वो खुश स्माइल करके कहते कि ना मुझे खुशी होती है जब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। तो फिर ना जो वो ना अपना हेड नीचे करते तो फिर कहते हैं थैंक यू मैम, थैंक यू आंट, थैंक यू सो मच, तो आप मेरा बिल्कुल एक मदर फिगर की तरह ख्याल रखते हो। तो फिर ये बोलते हैं उसके आईज में ना हल्का सा ना ऐसे टीयर्स आ जाते हैं। तो फिर कहते हैं मैं तुम्हारा मदर ही हूँ तो मुझे मदर भी बोल सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं होगा। तो फिर ना तेंग कर ना उनकी तरह कुछ देर तक देखता है और फिर ना स्लोली आगे बढ़ता है और फिर ना उनको हक कर लेता है अचानक से ना। तो फिर ना जो मिसेज जी होती है वो बिल्कुल स्टंट रह गई थी बट उनके फेस पे भी स्माइल आ जाती है, वो फिर ना तेंग को हक बैक कर लेती है। तो फिर ना तेंग ना थोड़ी देर तक वहां पर ना स्टिफिंग करता है बट अलग हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे 15 मिनट्स बाद कहता है सॉरी। तो फिर कहते हैं ना कोई बात नहीं बेटा, तो मुझे मदर बोलो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर ना जो तेंग की तरफ देखने लगे कहते हैं मदर, तो फिर ना जिमिन मिसेज जॉन के ना फेस पे स्माइल आ जाती है, कहते हैं ना तुम्हें पता है तेंग मैं तुम ना बिल्कुल एक मेरे बेटे की ही तरह हो, तो तुम मुझे मदर बोलोगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर ना तेंग स्माइल कहते हैं, कहते हैं थैंक यू मदर। फिर बोलते तो फिर ना जो जियोन अगेन स्माइल करते हैं, कहते हैं ब्रेकफास्ट कर ले। तो फिर ना जो सीओ ना अभी भी सो रहा था, तो फिर ना जो देंगे थे ना मैं काउच पे इसको लेटा के आया था, कहते हैं ठीक है। तो फिर ये बोलते उसको ना वहां पर लेटा देते देंग
और फिर ना आ जाते हैं, फिर ना दोनों ना आराम से करते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ना तियांग को काम करते हुए 3 इयर्स हो गए थे। तियांग के आगे का स्टोरी हम बाद में जाके जानेंगे, अभी तो सिर्फ अभी पास्ट नहीं चलेगा, अभी प्रेजेंट ही चलेगा। तो वो ना 3 इयर्स से यहाँ पे था, तो उनका ना बॉन्ड अच्छा हो गया था। तो फिर ना जो मिसेस जी ना जब वो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और फिर ना तियांग ना वहां से फूड के जो प्लेट्स थी वो लेके जाने वाला था, तो फिर ना जो मिसेस जी ना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको वापस बिठा देते हैं। तो फिर ना जो तियांग देखने लगते हैं मिसेस जोन की तरफ, मिसेस जोन बोलते तियांग मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, क्या तुम वो करोगे? तो फिर ना जो तियांग स्माइल करते बोलते कि यस मतलब आप बोलो। तो कहते कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटों से शादी करो, उसके बाद तुम्हें फिर सारी फैसिलिटीज मिलेंगी और सारा तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा स्पेंड होगा, तुम्हें हर चीज मिलेगी, तुम्हें लव मिलेगा, तुम्हें फैमिली मिलेगा, तुम उनसे अगर मैरिज कर लोगे तो जो जो तियांग होता है वो फुल शोक हो जाता है, अपने शोकों के ना देख रहे होते हैं मिसेस जोन के। और ना मिसेस जोन ना उसका हाथ पकड़ लेते, कहते हैं तियांग मैंने तुम्हें बताया था ना इनमें उनका कसूर नहीं है, तो मैं अच्छे से उनके बारे में जानते हो। तो फिर ना तियांग अपना हेड नीचे कर लेते हैं, वे मैंने तुम्हें बताया था उसकी उन तीनों की वाइफ ने उसके ऊपर ना चीट किया था, अपने बिल्कुल 2 इयर्स की बेटी को छोड़ के वहां से चली गई थी, उनसे उनका कसूर नहीं है, मैं वो ना सिर्फ इस चीट के बाद से ऐसे हो गया। और मुझे पता है तुम इसमें बहुत ज्यादा अच्छे, जैसे तुम उनको ना तुम्हारा लव मिलेगा वो बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, मैं तुम्हें अपना ना इस तरह बेटा बनाना चाहते कि कोई किसी को ना अपना उंगली उठा के ये बोल ही ना सके कि ये सिर्फ मुंह बोला बेटा, मैं चाहती हूँ कि मैं प्राउडली बोल सकूँ कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे सन इन लॉ नहीं बनोगे, तुम मेरे बेटे बनोगे ऑफिशियली। तो फिर ना जो मिसेस जोन की तरफ तियांग कुछ देर तक देखने लगता है, और फिर कहते बट तो वह कहते कि ना तियांग बेटा प्लीज मैं जानती हूँ मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ, बट मैं जानती हूँ ये आगे चल के तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मैं बहुत ज्यादा ना विश करती हूँ, मैं तुम्हें ब्लेसिंग देती हूँ, तुम काफी ज्यादा खुश होगे, बट एक दफा बस मेरी बात मान लो, मैं जानती हूँ मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ तुम ऐसा कर लो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुम ही उनके लिए राइट पर्सन, सिर्फ तुम यह जो उनके ना बिल्कुल उनको ना ठीक कर सकते हो, उनको ना कंट्रोल कर सकते हो प्लीज। तो फिर ना जो तियांग ना उनकी तरफ देखने लगते हैं, फिर कहते जैसा आपसे समझो, तो फिर कहते हैं ना जो मिसेस जो ने गहरी सांस ली थी बिकॉज उन्होंने ना सैडनेस देख ली थी ना जब उसके फेस पे, तो कहते आई एम सो सॉरी बेटा मुझे माफ करना, तुम मना कर सकते हो मुझे कोई मसला नहीं, तुम तुम्हें हाँ बोलेगा सर नहीं बोल के ना खड़ी हो जाती है। और फिर ना जो तियांग बोलते कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, तो फिर ना जो मिसेस जोन उसके हेड पे रफल करती है, अब कहते कि ना आज का सारा काम तुम मेड्स कर लेंगी, मुझे तुम जाके ना रेस्ट करो। तो फिर कहते नहीं आंट मैं रेस्ट कर, मुझे जरूरत नहीं है, बोलते ना और वहां से चल जाता है। तो फिर ना जो मिसेस जोन ने क्या सांस ले थी बिकॉज पहले तियांग उनको ना मदर बोल रहा था, बट अब फिर से आंट बोल रहा था। तो फिर ना जो मिसेस जोन ने क्या सांस लेती है, और फिर ना अब हम देखते हैं बिल्कुल 1 वीक बाद का सीन, जहाँ पे ना जो तियांग होता है वो अपना वर्क कर रहा था, तो वहाँ पे ना मिसेस जोन आते हैं, कहते तियांग बेटा आप तुमने क्या सोचा? तो फिर ना जो तियांग ने क्या सांस लेते हैं बिकॉज वो 1 वीक से ना यही सोच रहा था, और वो सोचता है कि ना जो मिसेस जोन ये जोन फैमिली ने कितना ज्यादा ना उस पर एहसान किया, कितना ज्यादा ना उसको चीजें दी, कितना ज्यादा उसका बेटे का ख्याल रखा है, उसका खुद का ख्याल रखा है, तो वो सोचता है कि अब उसका बारी आया है तो उसको मना नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डिसोबिडेंट होगा। तो फिर ना वो ये एहसास लेता है, और फिर ना मिसेस जोन की तरफ मुड़ता स्माइल करता है, फिर कहते हैं ना मैं रेडी हूँ। तो फिर ना ये सुन के ना जो मिसेस जोन ना कुछ देर तक उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं ना तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं, तुम्हें फोर्स होने की जरूरत नहीं है ना, मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम बोला था मैं तुम्हें फोर्स करूँ, बट मैं तुमसे तुम्हारा ना राय पूछ रही हूँ, वो आराम से मुझे मना कर दोगे, मुझे कोई मसला नहीं होगा, और जो हम कर रहे हैं तुम भी हमारे होगे, मैं तुम्हें तब अडोप्ट कर लूंगी। तो फिर ना जो
वो होता है मतलब माइंड में सोचता है कि इस तरह आप मेरे ऊपर एक और एहसान कर दोगे, आपका एहसान का मतलब मैं इधर चुका दूंगा आपके ना बेटों से शादी करके, तो यही सही है। तो फिर कहते हैं नहीं नहीं मैम इसका जरूरत नहीं है, मैं आपके बेटों से ना शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर ये सुन के ना मिसेज जून बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तेंग को ना हग कर लेती है और तेंग के फेस पे भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, उसके आईज में ना हल्का सा नमी आ गया था बट वो ना बिल्कुल उसको ना वैसे ब्लिंक करता है, वो ना हर चीज गायब हो जाती है और फिर ना वो स्माइल करके ना मिसेज जून का हग बैक कर लेते हैं। और ये पार्ट हम यहाँ पे एंड करेंगे, स्टोरी जैसी भी लगी मुझे जरूर बताइएगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी और टाटा बाय।